रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा, बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं। हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर श्री हनुमान जी ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। किसी ने पूछा कि सब अपना अपना बल बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले। यहाँ हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। बल क्या, कुछ भी नहीं है। हम मंदिर में तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ है तेरा तो ये एक बल ही है जो मेरा। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और भगवान ने सोचा कि मेरा ये सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है, उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम जाओ और संजीवनी लेके आओ। तो जब आकाश में हनुमान चले तो सूरज निकला हुआ था, और अगर सूरज इधर निकल जाता जहाँ लक्ष्मण लेटे हुए थे, उनका भुजा जैसा भाई, जिसे वो अपनी भुजा कहते हैं दाहिनी, वो पृथ्वी छोड़ जाता, भगवान सहन न कर पाते। सूरज से मिले तो उन्होंने कितनी विनम्रता से बात की। सूरज से बोले सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मलवाला है, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, अंतिम मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन।